गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वर्कशीट नंबर 152 ऑफ मैरीगोल्ड बुक यूनिट 8 वर्ड्स इन द मेल बॉक्स अ पोएम। डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम एंड योर टीचर्स नेम। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। डू यू नो टुडे इज 23 जनवरी, ए डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। He was a great nationalist who motivated Indians with his famous slogan Jai Hind. बच्चों बोलो मेरे साथ Jai Hind. He established the Azad Hind Fauj to counter the British rule in India. Subhash Chandra Bose inspired millions of youth to join the struggle for independence in India. People across India celebrate this day to honor Netaji as He is fondly called. फिर एक बार ध्यान से देखते हैं बच्चों, पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है। हमें घोड़ा दिख रहा है बच्चों, घोड़े के ऊपर आप देखो एक शख्स बैठे हुए, यही है हमारे नेताजी। 23 जनवरी 1897, ए हीरो वॉज बोर्न विद द ड्रीम ऑफ ए फॉर ए फ्री इंडिया। क्या बोला इन्होंने बच्चों, कोई कोट दी थी देखो, वन इंडिविजुअल मे डाई फॉर एन आइडिया बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ इनकार्नेट इटसेल्फ इन ए थाउजेंड लाइव्स। अब हम देखते हैं बच्चों अपनी सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, Do you know there are many ways to share our feelings and thoughts with others? Letter writing is one of the ways. In the poem, what is in the mailbox? बच्चों ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको अगर हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये what is बोला जाता है। वैसे इसको हम शॉर्ट में words भी बोल सकते हैं, words in the mailbox। The little girl wishes to receive letters. Like her mom or the dad. Can you help her find out what are the things associated with the letters or mails? Encircle them or draw their pictures. आप उनकी encircle भी कर सकते हैं और या उनकी pictures भी बना सकते हैं जो letters से संबंधित things आपको दिख रही हैं। Second, let us trace the journey of the letter by arranging the following sentences in the correct sequence. बच्चों कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, एक एग्जांपल भी दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करते हैं लेटर की जर्नी में, सबसे पहले लेटर को लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको एक एनवलप के अंदर डालते हैं और उसके ऊपर एक एड्रेस करते हैं, यानी कि एड्रेसिंग दी एनवलप। ऐसे ही बच्चों ये स्टेप्स आपको दिए गए हैं, इनको आपको कनेक्ट करना है। इसके साथ में बच्चों आपको वर्कशीट के अलावा जो पेज नंबर 118 और 120 हमारी इंग्लिश वर्क बुक के हैं वो भी आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, फाइनली इम्पोर्टेंट थिंग इज कीप मेंटेनिंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। थैंक यू।